दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरियर प्लस चैनल में। इस समय जो है नवोदय विद्यालय के अंतर्गत जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर दोबारा आवेदन इसमें जो है वो मांगे गए हैं, और जो है इसमें बताया गया है कि इसमें जो युवाओं को दी जाएगी एक नौकरी, मतलब क्या ये बिल्कुल आदेश हो चुका है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अपनी जो है पहली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ 13 जिलों के लिए जो है अग्निवीरों की भर्ती जो है 20 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। कहाँ कहाँ पर होगी? बरेली है, मेरठ है, आगरा है, अमेठी है, बनारस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भर्ती का स्थान कहाँ पर रहने वाला। अगर आप बरेली से अगर होंगे तो आप फतेहगढ़ में स्थान होगा, और जो है मेरठ में मुजफ्फरनगर हो गया, आगरा आगरा में रहेगा, अमेठी अयोध्या में है, बनारस बनारस में। मतलब क्या ये कब कब किस किस डेट में रहेंगी पूरी इन्फॉर्मेशन देख लीजिएगा। 19 अगस्त से शुरू होंगी ये भर्तियाँ। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इसमें TGT PGT 2022 में आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो बढ़ा दी गई है। इस समय जो है 16 जो है वो कर दी गई है। पहले 3 तारीख थी, और जो है इसकी शुल्क जमा करने की 6 तारीख थी। और इसमें अब देखते हैं इसमें जो है क्या क्या लिखा गया। इसमें जो है TGT PGT 2022 में आवेदन की अंतिम तिथि जो है बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी अब 16 जुलाई तक इसमें ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं, और 9 जुलाई को इसमें जो है लास्ट डेट रखी गई है। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ RRB 1.15 करोड़ का इंतजार खत्म हो चुका है। 17 अगस्त से शुरू ग्रुप डी की भर्तियां होंगी। मैंने आपसे पहले बोल दिया कि ग्रुप डी की भर्तियां जो है वो आपकी 17 अगस्त से शुरू होने जा रही है रेलवे के अंतर्गत RRB। इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड सेल से RRC की जो लेवल 1 की ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 17 अगस्त से जो है इसका वो बताया गया है। आगे देखते हैं इसमें जो क्या क्या इसमें लिखा गया। 17 अगस्त शुरू होंगी इसमें जो है भर्तियां। मैंने बोला था इसमें रेलवे RRB जो है इसके अंतर्गत जो ग्रुप डी की भर्तियों का जो है 17 अगस्त इन्होंने बताया। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में भी जो परीक्षा के लिए केंद्र बनाए गए हैं, और ग्रुप डी के लिए देश भर में जो है 1 से 1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। रेलवे के अंतर्गत जो है ग्रुप डी के 1.1 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं, और इसके लिए जो है मार्च 2019 में मांगा गया था आवेदन। मतलब क्या है इसमें जो है 2019 में जो आवेदन मांगे गए थे। 19 के बाद 20 हो गई है, 21 हो गई है, 22 चली, मतलब 3 साल हो गए हैं। पीछे भी कोरोना टाइम में जो था इसलिए ये भर्ती पर रोक लगा दी गई है, पर आप जो भर्ती जो है अपने तयपूर्वक समय पर होगी। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ DLED के लिए घटा अभ्यर्थियों का रुझान। 4 वर्ष से नहीं आ रही है स्कूलों में भर्तियां। मतलब क्या इसमें जो है प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत जो 2018 विज्ञापन आया था, उसके बाद से अभी तक इसमें जो है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आया है, और कई लाखों पद खाली हैं, पर अभी तक जो है DLED के लिए रुझान कम हो गया। क्योंकि आपने देखा होगा कि DLED वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल होते हैं, मतलब बेलिटी होते हैं, और BED वाले जो होते हैं वो आपके जो केंद्रीय विद्यालय होते हैं, नवोदय विद्यालय, इंटर कॉलेज, LTGrade, राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, जितने भी ये होते हैं कॉलेज, वहाँ पर BED वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और केवल BED जो होता है वो केवल प्राइमरी लेवल के लिए होता है, और BED वाले जो प्राथमिक विद्यालय में भी जा सकते हैं। इसलिए जो है BED करने के लिए लोग ज़्यादा उत्सुक रहते हैं, और DLED के लिए कम रहते हैं। और इसमें आप देख सकते हैं स्वयं इसमें लिखा हुआ है कि प्रदेश के नए कई जो है वो निजी कॉलेजों के लिए दाखिले नहीं हो पा रहे हैं अभ्यर्थी। मतलब क्या वही चीज़ है कि जो प्राइवेट कॉलेज होती हैं जिन्होंने DLED की सीटें ले रखी हैं, पर उनके वो अभ्यर्थी जो नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनका रुझान कम है। BED करने से जो उनके पास 10 ऑप्शन खुल जाते हैं, और DLED करने के बाद जो केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे ही वो डिपेंड रहते हैं। आगे देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ। मौजूदा सत्र में जो आए इसमें 47,000 आवेदन, मतलब वही चीज़ बता रहा हूँ इसमें DLED के 47,000 इसमें आवेदन आए हुए हैं। अपने जो अगली अपडेट की ओर पर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है इसमें NBS में करें आवेदन। इसमें नवोदय विद्यालय की तरफ से जो है प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट टीचर्स की वैकेंसी आ चुकी हैं। मैथ्स हेल्पर की, चपरासी की, चौकीदार की भर्ती पहले से ही आ चुकी है, उसका एग्ज़ाम भी करा लिया गया है। और इसके अंतर्गत जो है चपरासी रहते हैं इसमें नवोदय विद्यालय में, इसके बाद जो होमगार्ड और गार्ड वगैरह घूमते हैं उसमें जो है, और सिक्योरिटी के लिए उसके अंतर्गत मैथ्स हेल्पर भी रहते हैं हेल्प के लिए, उसके जो अभी उसका जो रिजल्ट आ चुका है, केवल उसका DB बाकी रह गया, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर आप ये वाला फॉर्म अपलोड करना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, तो आपको जो अंतिम तिथि बताई गई है 22 जुलाई 2022 तक जो इसमें आवेदन इसमें कर सकते हैं। और इसमें जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये दे रखी है, यहाँ से जो आप जो है अपना इसमें आवेदन कर सकते हैं। यदि आप प्रिंसिपल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और इसमें जो है इस तरीके से ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये दे रखी है। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर इसमें बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इसमें लोक सेवा आयोग ने जो है हर दिन 35 युवाओं को दी है नौकरियां। मतलब वही चीज़ है कि हमारे जो योगी जी हैं उन्होंने बोला है कि जो है 35 युवाओं को हर दिन जो है वो नौकरी दी जाएगी, पर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। पर केवल उसमें क्या 100 दिनों के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले जो है 110% हुआ चयन। मतलब वही चीज़ है, उन्होंने बोला है 100 दिन के अंतर्गत जो है
चाहे आपका यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीएससी हो गया, जितने भी जो हैं ये आयोग बनाए गए हैं उसमें जो है उन्होंने बताया गया इसमें हर दिन जो है कम से 35 युवाओं को नौकरी देने का वादा रखा गया, पर ऐसा हुआ नहीं है। और इसके अंतर्गत जो है इसमें लिखा हुआ विभिन्न भर्तियों में अर्हता ना मिलने पर 315 पद खाली रह चुके हैं। इसमें अपनी जो है अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ पीसीएस स्केलिंग के मुद्दे पर जो है हाई पावर कमेटी गठित, लोक सेवा आयोग ने कमेटी में जो है संघ लोक सेवा आयोग को इसमें जानकारी दी है। अभ्यर्थियों पर शिकायत पर जो यूपी पीएससी ने लिया निर्णय, मतलब वही चीज़ है, एक जल्दी जो है पीसीएस के लिए उन्होंने बोला स्पेलिंग जो है स्केलिंग के मुद्दे पर हाई पावर कमेटी जो वो गठित कर दी गई है। लोक सेवा आयोग की सबसे बड़ी अपडेट यह है कि इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 3 का सिस्टम जो इसमें आ गया है। इसमें जो है लास्ट डेट को बताइए 5 जुलाई 2022। अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करेंगे तो आपको ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रही है, यहाँ से आप ये है अपना डाउनलोड कर सकते हैं। एक लोक सेवा आयोग से जो एक भर्ती को और विज्ञापन जारी किया गया, इसमें जो सीधी भर्ती में इस तरीके से इन्होंने जो है चिकित्सा अधिकारी का है, इसके बाद सहायक आचार्य का, साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे पदों पर जो है इन्होंने ये सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी करा। इसकी जो साक्षात्कार इसकी इंटरव्यू की तिथि अगर देखी जाए तो 2 जुलाई है, 2 जुलाई से इसमें शुरू हो चुके थे, अंतिम तिथि इन्होंने जो है 12 और 13 जुलाई तक रखी गई है। अपनी जो है अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ अनिल भूषण चतुर्वेदी को जो एडी बेसिक का अतिरिक्त भार वो संभालने के लिए दे दिया गया, मतलब वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है समूह गय में कार्यरत अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। मैंने आपसे पहले बोला था इसमें जितने भी अधिकारी हैं उनका तबादला हो चुका है, जो सचिव वगैरह थे उनको जो है और उनसे इनके जो सचिव बना दिए गए हैं प्रथम वाले जो होते हैं, और जितने अधिकारी थे सबको जो है डीएम एसडीएम को उठा के जो है उनका तबादला कर दिया गया है। अपनी जो अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इसमें जो एसएससी में फर्जीवाड़ा, मतलब 3 गिरफ्तार। इसमें जो मैंने आपको बोल दिया किस तरीके से कंप्यूटर को हैक करके जो है इस तरीके से जैसे हमारे दरोगा भर्ती के अंतर्गत जो 9 मिनट के अंदर 150 सवाल हल करने वाले सॉल्वर थे वो गिरफ्तार हो चुके थे, इसके अंतर्गत जो एसएससी में फर्जीवाड़ा के लिए 3 इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे ये भर्ती कहाँ के हैं, इसमें जो है धूमनगरगंज का मामला अभ्यर्थी इसमें शामिल है, 20,000 में हुआ था सौदा। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करेंगे, इसमें ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो है ट्विटर अभियान जो चलाया गया है वो रविवार को 3 जुलाई 11 बजे से आप इसमें जो है ट्विटर अभियान चला सकते हैं। इंटर कॉलेज के अंतर्गत जो है माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने जो है इसकी तिथि बढ़ा दी गई है, और इसमें जो है इसमें आप देख सकते हैं इसके एग्जाम के लिए बताया गया है। इसमें एग्जाम जो है परीक्षा इसकी अक्टूबर संपन्न करा ली जाए, मतलब तो वही चीज़ मोर्चा जो है इसमें विवेकी खान ने बताया है कि जो है अक्टूबर में संपन्न करा ली जाएगी और दिसंबर तक अंत इनको जो अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। इसका अंतर्गत जो है वो तदर्थ शिक्षक भी इसमें लगे हुए हैं। इसमें तदर्थ शिक्षक जो है बहुत सारे पद खाली हैं। अभी 2023 में एक विज्ञापन और आने वाला है, और हो सकता है उसके बाद जो आपको इंटर कॉलेज की भर्ती में जो है यूपी ट्रिपल एससी ने अभी पैट क्वालिफाई वो पैट के आवेदन निकाल दिए गए हैं, इसमें जो कराने के बाद तुरंत इंटर कॉलेज में जो सीधी भर्ती होगी क्लर्कों की, उसमें जो है 50% वाले सीधे लिए जाएंगे और इसके बाद तुरंत ही आपको चपरासी भर्ती देखने को मिलने वाली है। सरकार और मंत्री कर चुके हैं ऐलान कि इसके अंतर्गत होमगार्ड के अंतर्गत विभागों में भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी 35,000 पद खाली हैं, जिसमें 20% महिलाएं लगाई होमगार्ड की भर्ती के अंतर्गत जो है 20% महिलाएं लगाई जाएंगी। इसमें जो अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं, इसमें लिखा हुआ एडिट कॉलेज के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्ति होगी। मैंने आपसे बोला कि अगर इसके अंतर्गत जो आउटसोर्सिंग की भर्ती, अगर चपरासी की भर्ती और क्लर्क भर्ती होती है तो वो जो है क्लर्क भर्ती तो खैर यूपी ट्रिपल एससी कराएगा, और साथ में जो है चपरासी भर्ती मैनेजमेंट के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई इन्फॉर्मेशन की भर्ती आपके से निकलना चाहिए, कुछ आपका आपसे छूटना चाहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल के रिप्लस। थैंक यू वेरी मच।